तो आज पढ़ेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, वो बीमारियां जो कि विटामिन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो पहले देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक हैं जो कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मेनली दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, रफेज, मिनरल्स एंड वाइटमिन्स। इसमें से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अधिक मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, बट दे आर हाईली डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड, लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। मिनरल्स और वाइटमिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अधिक आवश्यक हैं। कुछ हिस्ट्री है वाइटामिन की जो कि जानना ज़रूरी है। वाइटामिन की खोज करी थी फंक ने 1913 के अंदर। फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटामिन की खोज करी, और वाइटामिन का नाम भी इन्होंने ही दिया। वाइटामिन का मतलब है वाइटल अमीन्स, मतलब फंक के द्वारा ये वाइटामिन्स जो होते हैं वो अमीन्स यानी NH2 ग्रुप के बने होते हैं। लेकिन हॉपकिंस ने बाद में इस पर रिसर्च करी और पता लगाया कि सारे के सारे वाइटामिन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अमीन्स नहीं होते हैं। हॉपकिंस में ये भी पता लगाया कि वाइटामिन कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हॉपकिंस को नोबल प्राइज़ भी मिला है वाइटामिन्स की रिसर्च के लिए। अब वाइटामिन्स कैसे पता लगा, ये जेम्स लिंड नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि वाइटामिन की कमी के अंदर ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। एक डिजीज़ जिस पे उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया वो है स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो कि सेलर्स डिजीज़ भी कहलाती है। नाविकों के अंदर या वो लोग जो कि जहाज़ पे या नाव के अंदर लंबे टाइम तक रहते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ पाई गई। इसके अंदर क्या होता है, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है, आई विजन कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे मतलब 1749 के आसपास, 1749 के आसपास ये जो डिजीज़ है स्कर्वी, ये नाविकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाने लगी थी, सेलर्स के अंदर। और सेलर्स की जो डेथ थी, नाविकों की जो डेथ थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, स्कर्वी की वजह से। तो जेम्स लिंड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे और ये पता लगा है कि ये डिजीज़ हो क्यों रही है। तो पता लगा कि जो सेलर्स हैं वो अपनी डाइट के अंदर जो है ऑरेंजेस या सिट्रस फ्रूट नहीं ले जाते हैं, और उनके अंदर जो है सिट्रस फ्रूट की कमी की वजह से डिजीज़ उसके अंदर हो रही है। फिर जेम्स लिंड ने जो स्कर्वी के जो पेशेंट थे उनको सिट्रस फ्रूट देना चालू करा, तो पता लगा कि ये स्कर्वी जो डिजीज़ है वो सिट्रस फ्रूट से ट्रीटेबल है। और बाद में पता लगा कि सिट्रस फ्रूट के अंदर जो है वाइटामिन सी होता है, तो स्कर्वी जो है वो वाइटामिन सी से क्यूरेबल है। दूसरा जो है, एक इधर आप इमेज देखेंगे तो ये दो बाउल रखे हुए हैं चावल के, दो ये चावल के जो दो बाउल हैं, एक के अंदर वाइट राइस है और दूसरे के अंदर येलो राइस है। तो ये भी पाया गया कि जो राइस के, जो पॉलिश राइस के खाने वाले हैं उनके अंदर वाइटामिन ए की कमी हो जाती है और उनके अंदर वाइटामिन बी की भी कमी होती है। वाइटामिन ए की कमी की वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है और उनकी आंखें भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती हैं। और वाइटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से उनके अंदर एक डिजीज़ होती है बेरी बेरी, जो कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तंत्रिका रोग है। तो पॉलिश राइस के खाने वालों में पता लगा है कि उनके अंदर वाइटामिन की कमी होती है, तो पॉलिश राइस के अंदर वाइटामिन की डेफिशिएंसी को, वाइटामिन की कमी को पूरा करने के लिए एक नया तरह का राइस जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसको गोल्डन राइस बोला गया है। तो ये जो बना है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है राइस, गोल्डन राइस, उसके अंदर वाइटामिन ए का जीन डाला गया है जिसकी वजह से ये जो चावल है ये हल्का सा पीले कलर का दिखता है। जब हम वाइटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगाएंगे कि वाइटामिन ए जो है वो हल्का सा पीले रंग का होता है, गोल्डन रंग का या ऑरेंजिश रंग का होता है। तो वाइटामिन ए ध्यान रखना है,
वाइटामिन या गोल्डन राइस हमें ध्यान रखना है। गोल्डन राइस जो है उसके अंदर, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसके अंदर वाइटामिन ए की कमी को पूरा गया है, पूरा करा गया है। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो कि फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, जिसका उसके द्वारा डेवलप करा गया है। इंडिया के अंदर भी एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कटक में है, कटक यानी उड़ीसा। अब वाइटमिन्स देखें तो वाइटमिन्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटमिन, दूसरा है वाटर सॉल्युबल वाइटमिन। वाइटमिन जो है, जितने भी वाइटमिन हैं वो दो कैटेगरी के, घुलनशीलता के आधार पर दो कैटेगरी के अंदर डाले गए हैं। एक है वसा घुलित, दूसरा है पानी के अंदर जो घुलनशील है। फैट सॉल्युबल वाइटमिन जो है वो ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन जो है वो है बी सी। तो आप सिर्फ वाटर सॉल्युबल वाइटमिन याद कर लीजिए, दैट इज बी कूल। वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स बी कूल। तो बी कूल का, बी का मतलब है पानी हमें ठंडा लगता है, पानी हमें ठंडा रखता है, तो बी का मतलब है वाइटामिन बी, और कूल सी का मतलब है वाइटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स मत जैसे ही आएगा आपको ध्यान रखना है बी कूल, पानी हमें ठंडा रखता है, बी का मतलब वाइटामिन बी और सी का मतलब वाइटामिन सी। बाकी जितने वाइटामिन बच गए वो सब फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। तो बी और सी पानी के अंदर सॉल्युबल हैं, बाकी जितने बच गए वो सब फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हो गए ए डी ई और के, और वाटर सोल्यूबल हो गए बी एंड सी। अब जितना भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो रहा है तो लीवर को डैमेज भी कर सकता है। तो इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड द वाइटामिन शुड नॉट बी टेकन एक्सटर्नली विदाउट विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। मेनली वाइटामिन ए, वाइटामिन ए जो है वो हमारी लीवर को काफ़ी, अगर अधिक मात्रा में चला गया तो ख़राब भी कर सकता है। तो इसलिए जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, वसा घुलित जो वाइटामिन है, वो हमारी बॉडी के लिए घातक भी हो सकते हैं अगर अधिक मात्रा में चले गए, क्योंकि इनकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम चाहिए होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ही हैं। एक और जो बात ध्यान रखने की है, वाइटामिन्स जो हैं, वाइटामिन हो गए, मिनरल हो गए, वाटर हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये बाकी जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हैं, बाकी जितने भी फंक्शन हैं हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए हेल्पफुल है। तो इनका एनर्जी या कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, यानी वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर और कोलेस्ट्रॉल, इनका कैलोरीफिक वैल्यू ज़ीरो होता है, कोई भी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं देते हैं। वाइटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के अलग अलग जो है डोज जो है चाहिए होता है, ये डिपेंड करता है उनकी एज पे, सेक्स पे, उनके काम पे, लेबर पे। जो लोग डेली लेबर जो होते हैं, जिनका मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है। बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे ही ये डिपेंड करता है कंडीशन पे भी, प्रेग्नेंट लेडीज़ उनको भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वाइटामिन्स जो हैं वो दो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे आपको बताया, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल दो हैं, एक है वाइटामिन सी, दूसरा है वाइटामिन बी, और फैट सोल्यूबल जो है ये है चार, यानी ए डी ई के। वाइटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, और वाइटामिन बी जो है फिर इसके अंदर देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स, यानी ये वाइटामिन बी के अंदर और ज़्यादा कैटेगरीज हैं। वाइटामिन जैसे वाइटामिन B1 जिसको थियामिन बोलते हैं, वाइटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, वाइटामिन B3 नियासिन इसका कॉमन नेम है, B5 पेंटोथोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, B6 पायरीडॉक्सिन, B7 बायोटिन बोलते हैं, B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, और B12 कोबालामिन या साइनोकोबालामिन भी इसको बोला जाता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिवली फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, वो वाइटामिन्स जो कि वसा घोलित हैं। तो वाइटामिन ए एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है। वाइटामिन ए का जो कॉमन नेम है वो रेटिनॉल है, और ये मेनली प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है कैरोटीन, जो कि जिससे वाइटामिन ए बनता है। तो वाइटामिन ए प्लांट्स में होता है। अब कैरोटीन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, जनरली ये येलोइश या फिर ऑरेंजिश कलर के होते हैं, इसलिए वाइटामिन ए जहाँ होता है वो येलोइश या ऑरेंज कलर के सब्सटेंस होते हैं। वाइटामिन ए के बारे में जितना भी याद करना है वो सिर्फ एक इस वर्ड से हो जाता है याद, RAXN।
अगर आपको याद हो तो AXN एक चैनल है जिसको लोग रात में देखने को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस. रात में लोग देखते हैं AXN, तो रात में AXN नहीं देखना है क्योंकि रात में AXN देखेंगे तो आँख ख़राब हो जाएगी. तो रात में AXN नहीं देखना है. आर का मतलब है रेटिनॉल, आर का मतलब है रेटिनॉल. तो वाइटामिन ए का जो कॉमन नेम है वो रेटिनॉल है. ए का मतलब है वाइटामिन ए, तो रेटिनॉल यानी वाइटामिन ए. एक्स का मतलब है जीरोथैल्मिया, जो कि डिजीज़ है वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. और एन का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि और डिजीज़ है जो कि वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. इसको अभी हम पढ़ेंगे दोनों को, जीरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस को. तो आर ए एक्स एन अगर आपने याद कर लिया तो वाइटामिन ए का सब कुछ याद हो गया. यानी वाइटामिन ए कॉमन नेम है रेटिनॉल. अब याद कैसे करना है कि रात में AXN देखना है तो आँख ख़राब हो जाएगी. तो वाइटामिन ए से जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो आँख से रिलेटेड है. तो RAXN, रात में AXN नहीं देखना है, यानी राक्सन. वाइट आर का मतलब है रेटिनॉल, ए का मतलब है वाइटामिन ए, एक्स का मतलब है जीरोप्थैल्मिया और एन का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस. ये जीरोप्थैल्मिया डिजीज़ है. जीरोप्थैल्मिया क्या होता है, आँख जो है वो ड्राई हो जाती है और अल्टीमेटली है ये पत्थर जैसी हो जाती है. और एक स्टेज तक तो ट्रीटेबल है या क्यूरेबल है, लेकिन उसके बाद ये फिर क्यूरेबल नहीं है. बच्चों के अंदर ज़्यादा इसका देखा गया है सिम्टम्स. तो जो जीरोप्थैल्मिया है यानी ड्राई आई, वो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. दूसरा जो डिजीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है कि डिम लाइट में इंसान को दिखना कम कम दिखाई देता है, या वो डिम लाइट के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है चीज़ों को. तो होता क्या है, हमारी आई के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होता है रॉड्स, RODS, और दूसरा होता है कॉन्स. तो रॉड्स जो हैं RODS, यानी रॉड्स जो हैं वो क्या है, इधर लिख देते हैं इसको RODS, रॉड्स. तो रॉड्स जो सेल हैं वो हमें रात में देखने में काम आते हैं, रात में देखने में, यानी के कम लाइट में देखने में काम आते हैं. यानी कि डिम लाइट में काम देखने के जो सेल हैं, हमारी आई के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कॉन. रॉड्स का मतलब रात, तो रात में देखने के लिए या डिम लाइट में देखने के लिए रॉड्स, और कलर को डिफरेंशिएट करने के अंदर यानी कॉन्स, CONES, यानी कॉन्स जो सेल हैं वो कलर को देखने के काम में आते हैं या कलर डिफरेंशिएट करने के काम में आते हैं. आप कलर हम कब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कलर हम जब भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब लाइट काफ़ी अच्छी हो, या दिन में देखने के लिए, दिन में देखने के लिए, ये दिन में देखने के लिए कलर, दिन में देखने के लिए कॉन्स यूज़ होते हैं. तो रॉड्स और कॉन्स दो सेल्स होते हैं हमारी आई के अंदर. रॉड्स जो होते हैं वो रात में देखने के लिए, और कॉन्स जो होते हैं वो दिन में देखने के लिए या कलर डिफरेंशिएट करने के लिए देखने के लिए. अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्स जो हैं वो अच्छी इमेज बनाते हैं आई के ऊपर, या ब्राइट जो इमेज बनती है, कलरफुल जो इमेज बनती है, वो कॉन्स की वजह से बनती है. अब होता यह है कि वाइटामिन ए जो है वो एक पिगमेंट बनाता है, रोडोप्सिन. तो रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो वाइटामिन ए से बनता है, और रोडोप्सिन से बनता है रॉड्स. रोडोप्सिन से बनता है रॉड्स, और रोडोप्सिन बनता है वाइटामिन ए से. तो रॉड्स किससे बनते हैं, वाइटामिन ए से. वाइटामिन ए क्या बनाता है, वाइटामिन ए बनाता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन रॉड्स बनाते हैं. तो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. अब वाइटामिन ए मिलता कहाँ है और काम क्या है इसका, पहले तो काम लिख लेते हैं. हमें काम में तो हमने देख लिया कि विजन के अंदर हेल्पफुल है, मतलब आँख के डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल है, या दृष्टि के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे महत्वपूर्ण है वाइटामिन ए. दूसरा जो है ये प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है. तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो वाइटामिन ए है इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो टॉक्सिक, ये ध्यान रखने वाली बात है. सोर्स जो है वो एक है फिश ऑयल. फिश ऑयल को कॉod लिवर ऑयल भी बोला जाता है. फिश ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉड लिवर ऑयल, COD, कॉड लिवर, यानी फिश का जो लिवर है
उससे तेल निकलता है और उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। तो अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉड लिवर ऑयल जो है इसके अंदर दो तरीके के वाइटामिन होते हैं, ये वाइटामिन ए भी होता है एंड वाइटामिन डी भी इसके अंदर काफ़ी होता है। तो कॉड लिवर ऑयल के अंदर यानी फिश ऑयल के अंदर वाइटामिन ए भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी मछली का जो तेल है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में वाइटामिन ए भी होता है और वाइटामिन डी भी होता है। वेजिटेबल्स या फिर प्लांट पार्ट्स जो हैं उसके अंदर भी वाइटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे कैरेट, गाजर हम जानते हैं, मैंगो यानी कि आम, और पपाया यानी कि पपीता, क्योंकि ये भी सब येलोइश या ऑरेंजिश कलर के हैं। तो जो भी येलोइश या ऑरेंजिश कलर के फ्रूट हैं उनके अंदर ये मिलता है वाइटामिन ए। हाँ, अब अगर वाइटामिन ए ज़्यादा हो गया तो लीवर डैमेज हो सकता है, दूसरा जो है वो आँख भी थोड़ा बहुत ख़राब हो सकती है अगर ज़्यादा चला गया बॉडी के अंदर, या स्किन का कलर जो है वो भी बदल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चला गया तो स्किन जो है वो हल्का सा ऑरेंजिश या येलोइश कलर की हो जाती है, फिर स्किन कैन टेक येलो और ऑरेंज कलर अगर वाइटामिन ए ज़्यादा है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वाइटामिन की अधिक मात्रा से जो हमारी त्वचा है वो पीली सी या नारंगी सी हो जाती है, देन इट इज़ वाइटामिन ए। दूसरा वाइटामिन पढ़ेंगे आज वाइटामिन डी। वाइटामिन डी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। तो वाइटामिन डी का कॉमन नेम है, ये भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, दूध के अंदर होता है। दूध, अब दूध जो है वो क्या है, एक तरह का इमल्शन है, इमल्शन यानी पायस, इमल्शन है। तो वाटर और ऑयल का इमल्शन है, वो है ऑयल इन वाटर, यानी वसा जो है वो पानी के अंदर घुलित होता है। तो वाइटामिन डी जो है ये भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, दूध के अंदर होता है और भी जो एनिमल ऑयल्स हैं उनके अंदर होता है। वाइटामिन डी का कॉमन नेम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। वाइटामिन डी जो है वो कैल्शियम के और फॉस्फेट, फॉस्फेट एक सब्सटेंस होता है PO4-3-, उसको एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत करने में या बनाने में काफ़ी लाभदायक है वाइटामिन डी। तो वाइटामिन डी का कॉमन नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसको सनशाइन यानी धूप में बनने वाला विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी को याद करने के लिए सिंपल सा एक वर्ड है, डाइकोर। तो डाइकोर याद करने के लिए, डी का मतलब है वाइटामिन डी, सी का मतलब है कैल्सीफेरॉल, ओ का मतलब है ऑस्टियोमलेशिया जो कि डिजीज़ है, और आर का मतलब है रिकेट्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि डी का मतलब है वाइटामिन डी, और सी का मतलब है कैल्सीफेरॉल, और ओ का मतलब है ऑस्टियोमलेशिया, और आर का मतलब है रिकेट्स। तो डाइकोर अगर आप याद करें, अब याद कैसे करना है कि ये जो इमेज बनाई गई है, ये इमेज बनाई गई है, तो इस इमेज को अगर आप देखोगे तो इसमें देखो डाइकोर, सफारी डाइकोर एक गाड़ी आती है, अब तो खैर बंद हो गई है, पहले आती थी। तो सफारी डाइकोर वो लोग खरीदते थे जिनकी हड्डियां मजबूत होती थी, जो काफ़ी दमंग किस्म के इंसान होते थे। देखो ये कैसा दमंग है, इसकी हड्डियां भी बहुत मजबूत हैं। तो डाइकोर, तो डाइकोर से क्या याद करना है, सफारी डाइकोर। वाइटामिन डी से याद कर क्या याद करना है, वाइटामिन डी मतलब हड्डियाँ, हड्डियाँ जिनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जो लोग दबंग होते हैं वो क्या लेते हैं, सफारी डाइकोर। और डाइकोर जैसे याद आ गया वैसे डी के बारे में पूरा याद हो जाएगा। डी का मतलब है वाइटामिन डी, सी का मतलब है कैल्सीफेरॉल, यानी वाइटामिन डी का कॉमन नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ओ का मतलब क्या है, ऑस्टियोमलेशिया, और आर का मतलब क्या है, रिकेट्स। तो ये इमेज याद कर लेना है, दबंग लोग डाइकोर गाड़ी लेते हैं, डी का मतलब है वाइटामिन डी, सी का मतलब है कैल्सीफेरॉल, ओ का मतलब है ऑस्टियोमलेशिया, और आर का मतलब है रिकेट्स। अभी हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के बारे में। तो ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज़ है वो होता है मेनली एडल्ट्स में, एडल्ट्स की जो बोन्स हैं वो एडल्ट्स की जो बोन है वो वीक हो जाती हैं वाइटामिन डी की डिफिशेंसी से, और थोड़ा सा चोट मोच या गिरने पड़ने पर उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं या उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, बिकॉज ऑफ पुअर ग्रोथ ऑफ देयर बोन्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ देयर बोन्स। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बड़ों में होता है, और रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है। बच्चों में अगर वाइटामिन डी की कमी है तो उनको डिजीज़ होती है एक रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे की जो टांगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं,
अब टांगों पे ही पूरा वेट रहता है, तो ये क्या होती हैं कि बच्चों का वेट जो है वो नहीं, बच्चे का भार जो है वो ले नहीं पाती हैं और मुड़ जाती हैं, अंदर की तरफ भी मुड़ सकती हैं और बाहर की तरफ भी मुड़ सकती हैं। तो एक बार मुड़ने के बाद अगर एक कर्वेचर लेग ने ले लिया है तो फिर ये कुछ टाइम तक तो क्यूरेबल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर ये क्यूरेबल नहीं होगा, फिर बच्चे को लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहेगी। तो रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेसिया ये होता है बड़ों में। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज है। तो डाइकोर DCOR। एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डिजीज़ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ये होता है विमेंस के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस ये विमेंस के अंदर होता है 40 ईयर्स के बाद, मेनोपेज स्टेज चालू हो सकता है उनके अंदर। और उसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ वेमेंस के अंदर होता है और वो होता है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, जो कि हार्मोन डेफिशिएंसी डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोमलेशिया ये वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि वाइटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में अंदर अंदर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली होता है वेमेंस के अंदर और हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और रिकेट्स जो है ये बच्चों के अंदर होता है। अब है सोर्स। तो विटामिन डी का जो कॉमन सोर्स है वो सनलाइट है। विटामिन डी हमें एक्सटर्नली ऐसे लेने से की कोई खास ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे डेफिशिएंटी होती है वहाँ हम एक्सटर्नली लेते हैं, मिल्क की फॉर्म में, फिश ऑयल की फॉर्म में, या फोर्टिफाइड सीरियल की फॉर्म में। तो सनलाइट जो है वो हमें इनफ विटामिन डी देता है। ये बोला जाता है कि आधा घंटे का सनलाइट हर किसी को लगभग नेसेसरी है जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। मिल्क के अंदर भी विटामिन डी होता है, मिल्क के अंदर और भी विटामिन होते हैं लेकिन विटामिन डी ज़्यादा होता है। फिश ऑयल के अंदर बता चुका हूँ, फिश ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी होता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स एक सीरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल सीरियल्स के अंदर बाहर से कुछ हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे NaCl है। तो खाने वाला जो नमक है उसके अंदर हमें पता है कि हम आयोडीन मिक्सअप करते हैं, तो फोर्टिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं कि नमक के एडवांटेज को बढ़ाना बाय द एडिशन ऑफ आयोडीन, ये फोर्टिफिकेशन है। ऐसे ही सीरियल्स के अंदर या आटे के अंदर हम विटामिन डी ऐड करते हैं ताकि सीरियल्स के अंदर क्या होता है विटामिन बी, विटामिन ए। अब विटामिन डी भी उसी सीरियल से मिल जाए तो हम क्या करते हैं, आटे के अंदर विटामिन डी भी थोड़ा बहुत मिला दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को भी फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे ही दूध के अंदर भी विटामिन डी और थोड़ा सा डाला जाता है, तो इसको भी फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। तो फोर्टिफाइड सीरियल्स मतलब फोर्टिफाइड अनाज वह अनाज होता है जो नॉर्मल अनाज के अंदर बाहर से हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं ताकि हमें कुछ एडवांटेजेस, कुछ और ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए सेम चीज़ से, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स। अब जो फंक्शन है विटामिन डी की वो आपको बता दिया गया है, बोन मिनरलाइजेशन ये मेन फंक्शन है। बोन मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हड्डी का बनना। अब हड्डी जो है वो हमारी जो बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, ये कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4H2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो वैसे जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca3 PO4, ये 3 इधर आएगा PO4H2। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी हड्डियाँ और दांत बने होते हैं। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को, ये फॉस्फेट है फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और हड्डी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोन मिनरलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि पता लगा है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो हमारी जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये है कैल्शियम और फॉस्फोरस को मेंटेन करके रखता है ताकि बोन मिनरलाइजेशन प्रोसेस हो सके और हड्डियाँ मजबूत हो सके। अब नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई भी वाटर सोल्यूबल, सॉरी विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसका कॉमन नेम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है,
एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल होता यह है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे बॉन्ड्स की बनी हुई है। मेनली हमारी बॉडी भी एक तरीके से ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई है, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते फूटते रहते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड जो है उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये इसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं वैसे साइंस के अंदर। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये क्या करता है, ये चेन रिएक्शन करने लगता है, ये बाकी बॉन्ड्स को जल्दी से तोड़ने लगता है, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान या घातक जो है हमारी बॉडी के लिए होता है। तो ये विटामिन ई जो है ये इन जो हैं स्कैवेंजर्स रेडिकल्स इनको ख़त्म कर लेता है, यानी इन रेडिकल्स को ये विटामिन ई जो है ये ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा जवान या यंग बनाए रखता है। तो इसलिए विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, हमें एजिंग होने से हमारा बचाता है। यानी देखो ये जो है ये बूढ़ा होता जा रहा है, ये नहाता धोता नहीं है, बूढ़ा होता जा रहा है, विटामिन ई नहीं लेता, तो क्या करना है, ई ने टोको यानी इसको टोको कि विटामिन ई ले, विटामिन ई ले ताकि ये बूढ़ा ना हो, इसकी एजिंग जल्दी ना हो। तो ई का मतलब क्या है, विटामिन ई, और टोको का मतलब क्या है, टोको का मतलब है टोकोफेरॉल। तो ई ने टोको, ये बूढ़ा हो रहा है, एजिंग हो रही है इसकी, विटामिन ई लेना चाहिए इसको ताकि ये बूढ़ा देर से हो। तो स्किन जो है हमारी स्किन की ग्लोइंग के लिए या हमारे हेयर के लिए, इसके लिए अच्छी डेवलपमेंट के लिए विटामिन ई ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो ई ने टोको, ई का मतलब है विटामिन ई और टोको का मतलब क्या है, टोकोफेरॉल। और ये जो ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी बॉडी में से रेडिकल को ख़त्म करता है। अब सोर्सेज क्या हैं विटामिन ई के, जैसे हमें पता है सोर्सेज जो हैं वो आलमंड और पीनट। अच्छा एक चीज़ और है कि जब जो जिन लोगों की शादी होती है या शादी होने वाली होती है तो उनको बोला जाता है दूध बादाम खाओ। दूध बादाम खाने का मतलब ये है, विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी को भी प्रमोट करता है, यानी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो है इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है। जैसा कि अभी बताया कि एजिंग को ये क्या करता है, रोकता है। अब बूढ़े लोग क्या करते हैं, जल्दी इनफर्टाइल हो जाते हैं, या बूढ़े लोगों के बाल गिर जाते हैं, या फिर बूढ़े लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ई जो है वो ई की डेफिशिएंसी में स्किन क्या है, ड्राई हो सकती है, हेयर क्या है, हेयर लॉस हो सकता है, या हेयर जो है उनका ग्रोथ या डेवलपमेंट पुअर हो जाएगा और इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। तो ई की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन, हेयर लॉस या इनफर्टिलिटी, या ई जो है वो फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, इसका उल्टा। तो और ई मिलता किस में, आलमंड्स और पीनट्स में, यानी के बादाम और मूंगफली में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी विटामिन के। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ई जो है वो ये जो है ब्लड को क्लॉट होने में देरी करता है, ई जो है वो ब्लड को क्लॉट होने में देरी करता है। विटामिन के, विटामिन के भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो के का मतलब यहाँ पर जो है, के का मतलब है कोगुलेशन, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, यानी थक्के में होना, जैसे दूध का फटना, यानी दूध जो है वो भी कोगुलेट हो जाता है। दूध का फटना क्या है, दूध मिल्क कोगुलेशन ही कहलाता है। तो कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना। तो हमारा ब्लड जो है वो जब उसका जब थक्का जमता है तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन। अब याद कैसे करेंगे, विटामिन के का मतलब है, के मतलब कोगुलेशन। अब के जो है, के से हमें याद करना है नाइफ, नाइफ जो है वो काटता भी है हमारी बॉडी को, और के जो है वो हमारी बॉडी का जो के अंदर कट लग गया वो उसको जोड़ देता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, खून का थक्का जमा देता है। तो के का मतलब है नाइफ। अब नाइफ से हम क्या करते हैं, नाइफ से हम फूल पत्ती भी काटते हैं, फूल पत्ती। तो के का मतलब है, जो हमारा के का जो कॉमन नेम है फिल्लोक्विनोन, फूल पत्ती। के का मतलब है नाइफ, के का मतलब है कोगुलेशन। नाइफ से हम फूल पत्ती काटते हैं, सब्जी काटते हैं, हरी सब्जी काटते हैं। तो के का जो कॉमन नेम है वो है फिल्लोक्विनोन, याद ऐसे करना है, के नाइफ, नाइफ से फूल पत्ती काटी जाती है, फूल पत्ती जैसी आ जाएगा वैसी याद आ जाएगा फिल्लोक्विनोन। तो के का कॉमन नेम क्या है, फिल्लोक्विनोन। अब के जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, इसलिए फूल पत्ती याद करना है। के किससे मिलता है, फूल पत्ती। तो फूल पत्ती जैसे याद आया, के का कॉमन नेम क्या है, फिल्लोक्विनोन। और के अभी हमने बता दिया, के जो है हमें फूल पत्तियों से मिलता है, यानी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है।
दूसरा जो है हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको माइक्रोफ्लोरा बोला जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ये भी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वाइटामिन के सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो बॉडी का जो इंटेस्टाइन है वो वाइटामिन के सिंथेसाइज कर सकता है। और वाइटामिन के जो है वो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्पफुल है। ब्लड के जो है जो खून जो बहाव है उससे बचाने बचाने यानी खून का थक्का जमाने में हेल्पफुल है, या खून को जमाने में या कोगुलेशन करने में हेल्पफुल है। काम कैसे करता है ये वाइटामिन के, कि हमारे लिवर के अंदर ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिनोजिन इसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन। जैसे हमारा ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर कहीं कट लग गया और खून इससे निकल रहा है, तो लिवर से प्रोथ्रोम्बिन निकलेगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन अब हमारे इसके अंदर फाइब्रिन भी होगा, फाइब्रिन फाइब्रिन वैसे तो बहता रहता है ब्लड के अंदर, और जैसे ही जो कट लगता है तो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिन को फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ऐसे फाइबर ये आप जैसे ये बहुत सारे फाइबर आते हैं, एक तरह से सिलाई कर देता है, इसकी फाइबर जमा होता है, थ्रेड बना देता है, तो तख्खा जम जाता है। तो वाइटामिन के करता क्या है, वाइटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और कहाँ बनाता है, लिवर के अंदर बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये ब्लड क्लॉट कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और वाइटामिन के होता कहाँ है, वाइटामिन के अगेन वेजिटेबल स्पिनेच पोपाई, पोपाई को अगर आपने देखा हो तो स्पिनेच खाता था, वो इसीलिए खाता था क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा करता था और उसका ब्लड लॉस ना हो। तो वेजिटेबल है या बॉडी का जो है ये बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन के अंदर ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइटामिन के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वाटर सोल्युबल विटामिन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।